आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद मोदी योगी पर बरसे संजय सिंह। अजय मिश्रा ट्रेनी को बर्खास्त करने की मांग करते हुए क्या बोल गए संजय सिंह? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदित्यनाथ जी की सरकार ने अपनी ओर से अजय मिश्रा के बेटे को बचाने की भरसक कोशिश की, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय की फटकार के बाद जब कोई रास्ता नहीं बचा तो आशीष मिश्रा की कल गिरफ्तारी की गई, पूछताछ की गई, गिरफ्तारी की गई। लेकिन उसके पहले याद कीजिए कि मंत्री जी बयान दे रहे थे कि बेटा कोठी में है, लेकिन उनके घर पे नोटिस चस्पा करने की नौटंकी की जा रही थी। हिंदुस्तान की आजादी के बाद किसानों को कीड़े मकोड़े की तरह रौंदने की यह घटना जनरल डायर के शासन को याद दिलाती है, और इसके बावजूद अभी तक मंत्री अपने पद पर बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं कि उसके विरुद्ध तो कोई साक्ष्य नहीं है। तो कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में इतने बड़े अपराध के मामले में कोई न्याय मिलेगा? इसलिए जब तक देश के गृह राज्य मंत्री के पद पर अजय मिश्रा जी बने रहेंगे तब तक इस मामले में न्याय नहीं हो सकता, उनको इस्तीफा देना चाहिए। और मोदी जी अब तक इस मामले में खामोश क्यों है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उन्होंने अपने मंत्री को अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया? क्या उनको वो तस्वीरें नहीं दिखी? क्या वो उनको दिल दहला देने वाली घटना नहीं दिखी? मैं 5 परिवारों से मिला, किसान 3 जो लखीमपुर के अंदर, 2 किसान और 1 पत्रकार के परिवार से, और बहराइच में 2 किसानों के परिवार से, जिनके नौजवान बेटे कुचल के मार दिए गए। उन सब की एक ही पीड़ा और एक ही मांग है, मंत्री बर्खास्त होना चाहिए तभी उनको न्याय मिल पाएगा। बेटे की गिरफ्तारी हो गई, मंत्री की बर्खास्त की कब होगी, ये पूरा देश और देश का किसान सरकार से सवाल कर रहा है।